सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पुरानी राय में किया गया आयोजन। खलारी कोए लांचल स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पुरानी राय में यातायात सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने को लेकर विद्यालय के छात्र छात्राओं को शिक्षा के और सुरक्षा के मानकों का पालन करने सहित सड़क सुरक्षा जागरूकता की शपथ दिलाई गई। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को जन जन तक ले जाने का वाहन को लेकर छात्र छात्राओं को विद्यालय के प्राचार्य गणेश महतो ने उन्हें जागरूक किया। विद्यालय प्रांगण में छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक सड़क सुरक्षा की शपथ लेकर इसे जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया एवं वर्तमान समय में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं सहित शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, TTN24 न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जनपद संभल के जुगल किशोर इंटर कॉलेज गवा में यातायात सड़क सुरक्षा से संबंधित आपको बता दें शपथ दिलाई गई। दैनिक समाचार पत्र के आह्वान पर यातायात सड़क सुरक्षा के नियमों का जगह जगह 11 बजे विशाल अभियान चलाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मुरादाबाद उजाला समाचार पत्र के राष्ट्रीय प्रभारी एवं आयुष्मान सेवा फाउंडेशन के संस्थापक उत्तम दीक्षित ने यातायात सड़क सुरक्षा अभियान में सहभागिता की। जुगल किशोर इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले 453 छात्र छात्राओं एवं 15 शिक्षक शिक्षिकाओं ने शपथ ली। सर्वप्रथम विद्यालय के शिक्षक संतोष शर्मा ने बताया कि जान है तो जहान है, इसलिए सभी को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। कभी भी सड़क पर चलते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस अवसर पर मुरादाबाद उजाला समाचार पत्र के राष्ट्रीय प्रभारी उत्तम दीक्षित ने कहा, हमारा क्षेत्र शिक्षा के विषय में बहुत ही पिछड़ा था। जब से अजीत कुमार उर्फ राजू यादव राजनीति में आया, हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र में उत्तम शिक्षा की अलख बनाई है। और उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। लोगों को जानकारी दी कि सड़क सुरक्षा क्या है, क्योंकि ये नियम जो है स्कूल के लेवल से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हम समाज में फैला सकते हैं। बच्चा है, घर से विद्यालय तक की दूरी तय करता है, ट्रांसपोर्ट के जरिए है, अपने खुद के व्हीकल से है, साइकिल से है, तो छोटे बच्चों के लिए इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रास्ता क्रॉस करके आते हैं, घर से निकल कर आते हैं और छोटे होते हैं, तो उनको जानकारी देना जरूरी है। और हमारे विद्यालय में इसकी जानकारी आज दी गई, जिसका बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ और आगे आने वाले समय में बच्चा उन नियमों का पालन करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं TTN24 न्यूज और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। यूपी के बंदायू के चर्चित गेस्ट हाउस में जिस्म फरोशी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद होटल स्वामी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस घिनौनी और शर्मनाक घटना को लव जिहाद कहे या कुछ और, बहरहाल इस मामले को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। होटल स्वामी पर पुलिस का शिकंजा कसने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उजानी के बाद गेस्ट हाउस भगवती पैलेस पर लंबे अरसे से जिस्म फरोशी का घिनौना खेल चल रहा। बुधवार को गेस्ट हाउस में 4 जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे, जिसके बाद पुलिस ने चारों को हिदायत देकर उनके परिजनों के हवाले कर दिया था। वहीं गेस्ट हाउस संचालक अशोक थरेजा को चेतावनी देकर छोड़ दिया था। अगले दिन फिर इसी गेस्ट हाउस पर पुलिस ने 4 नाबालिग जोड़ों को रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा और मामला तूल पकड़ गया। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हंगामा काटते हुए गेस्ट हाउस सीज करने और होटल संचालक को गिरफ्तार करने की जिद पर अड़ गए। कोतवाली मनोज कुमार ने बताया कि बंदायू के मोहल्ले था निवासी साद फरशोरी अपने 2 साथियों के साथ गेस्ट हाउस आया और गेस्ट हाउस में नाबालिग छात्रों से अश्लील हरकतें करता पाया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी साद छात्रा पर धन परिवर्तन कर उसे कलमा पढ़ने और निकाह करने का दबाव बना रहा था। पुलिस ने साद फरशोरी व ब्रजेश के खिलाफ धारा 364 के
तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। इस घिनौनी वारदात को लव जिहाद कहे या कुछ और, बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। संचालक की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ऐसे काम हो रहे हैं, मेरे होटल में आते हैं, मैं जब भी यहाँ आया हूँ तो बहुत सारे कॉन्डोम मिले, लड़के लड़की हमने पकड़े। आज भी पुलिस ने जब शिकायत पर छापा मारा है तो दो लड़के और दो लड़की अंदर पाए गए, इसमें लड़के नाबालिग हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम कह रहे हैं लड़के लड़कियों को तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं है, कम से कम इस होटल को सीज किया जाए क्योंकि हमारे उजानी का नाम बदनाम हो रहा है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, अशोक सरेजा का लड़का जो परम सरेजा है वो अपने पिता से इसी कारणों से नाराज होकर इनको छोड़कर चला गया है दिल्ली, और वो इस चक्कर में यहाँ पर आता नहीं है कि उसको बदनामी होती है, गलत काम होते हैं। अशोक सरेजा, अशोक सरेजा, अशोक सरेजा। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी बहराइच ने कई थाना प्रभारी व चौकी इंचार्ज का किया तबादला। गंभीरवा बाजार चौकी इंचार्ज अमितेंद्र सिंह को चौकी इंचार्ज टिकोरा मोड़, नानपारा कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह को थाना रिसिया, मनोज कुमार यादव को थाना दरगाह शरीफ से थाना मटेरा, एसआई अमित प्रकाश को टिकोरा मोड़ से चौकी गंभीरवा भेजा गया।